Namo Buddhaya. Jai Bhim is the official start. So we're looking at the four mind turnings. तो हम मन को परिवर्तित करने वाले चार चिंतनों की ओर देख रहे थे. These are the bases for all our practice. तो हमारे जो भी अभ्यास हैं, उन सभी अभ्यासों की बुनियाद में ये चार चिंतन हैं. If you reflect on these four, your energy will go into your Dhamma practice more and more. अगर आप इन चारों के ऊपर चिंतन करते हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है धम्म आचरण में अधिक से अधिक जाएगी. So first of all, a few days ago, we looked at the wonderful opportunity that we have through being born human. तो कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ये बहुत ही अनमोल ऐसा अवसर हमें मिला है कि हमें एक मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है. Yesterday we started reflecting on impermanence and death. और कल हमने अनित्यता और मृत्यु के ऊपर चिंतन करना शुरू किया. We were facing fully the inevitability of impermanence and death. और अनित्यता और मृत्यु की जो अपरिहार्यता है उसको उसका हम पूरी तरह से सामना कर रहे थे. So today we move on a little bit further. तो आज हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे. We're going to be looking at karma. और हम कर्म की ओर देखेंगे. The reflection goes something like this. तो इसका चिंतन कुछ इस तरह से है. Skillful and unskillful actions bring their inevitable result. तो जो भी अकुशल या और कुशल और अकुशल कर्म है वो अपने अपरिहार्य परिणामों को लेकर ही आते हैं. So, this is the basis of our whole Dhamma life. तो ये हमारे पूरे धम्म जीवन की बुनियाद है. So I'm going to ask you first of all three sets of questions. तो सबसे पहले मैं आपको तीन प्रश्नों का एक संच पूछूंगा. And I suggest that you quickly think of the answers. I'm not going to give you much time for that. तो मेरा ऐसा सुझाव है कि आप जल्दी से उनके उत्तरों के विषय में सोचिए क्योंकि मैं आपको ज्यादा समय नहीं देने वाला. But you can think about this much more over the next days. लेकिन आने वाले जो दिन हैं उसमें आप इसके विषय में और ज्यादा सोच सकते हैं. The first is, do you really know what the law of karma is? तो क्या आप वाकई में जानते हैं कि कर्म का नियम क्या है? Do you really know how karma and karma vipaka work? क्या आप वास्तव में जानते हैं कि कर्म और कर्म विपाक किस प्रकार से अपना काम करते हैं? And it's worth being very, very honest about this. और इसके विषय में हमें बहुत बहुत प्रामाणिक रहना है. We often say, oh, that's karma. हम अक्सर कहते हैं कि हाँ ये कर्म है. It's a bit complicated because karma is just an ordinary word in Hindi and Marathi and so on. और ये थोड़ा सा जटिल है क्योंकि कर्म एक बहुत ही आम शब्द है हिंदी और मराठी भाषा में. Or Oriya. या ओरिया भाषा में. But so it's got a very special meaning in the Buddha Dhamma. लेकिन बौद्ध धर्म में इसका एक बहुत विशिष्ट ऐसा अर्थ है. So do you really know what it means? तो क्या आपको वाकई में पता है कि उसका अर्थ क्या है? And it's very important that we do know what it means. और ये बहुत ही जरूरी है कि हमें पता हो कि उसका अर्थ क्या है. But the beginning of wisdom is the admission of ignorance. लेकिन प्रज्ञा की शुरुआत यहाँ से होती है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप में अज्ञान है, आप नहीं जानते. If you think you know when you don't know, then well, you'll never know. लेकिन जब आपको पता नहीं होता उस वक्त अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपको पता है तो फिर आपको नहीं कभी पता होता है. So, yes, I ask you please just very honestly look at yourself and see whether you really know sufficiently well what karma means. तो बहुत ही प्रामाणिकता से अपनी ओर देखिए कि क्या आपको वास्तव में पर्याप्त रूप से पता है कि कर्म का अर्थ क्या है. Second question is, assuming you do know to some extent what it means, do you believe in it? तो दूसरा ये है कि अगर मान लिया जाए कुछ हद तक कि आपको कर्म क्या है पता है, तो फिर अगला प्रश्न ये है कि क्या आपको फिर उस पे यकीन है? Are you convinced that your actions lead to an inevitable result? क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है कि जो भी आप कर्म करते हैं उसके अपरिहार्य परिणाम होते हैं? So again, a very honest look. तो फिर एक बार बहुत प्रामाणिकता से अपने अंदर झांकना है. Probably for most of us, the honest answer is, well, yes, I believe it, just from here upwards. तो बहुत लोगों के लिए प्रामाणिक उत्तर होगा कि हाँ, मैं इस पे यकीन करता हूँ, लेकिन बस यहाँ से ऊपर. But from down here, I believe that
either some god is responsible or the government or anything. लेकिन यहाँ से नीचे मुझे ऐसा लगता है कोई ईश्वर का काम है वो जिम्मेदार है या कोई सरकार जिम्मेदार है या कुछ और जिम्मेदार है. So do you really believe in karma? तो क्या आप वाकई में कर्म में विश्वास रखते हैं? And of course, if you do believe in it, then the third question follows quite easily. और अगर आपको उसमें यकीन है तो फिर तीसरा जो सवाल है वो अपने आप ही सामने आता है. Do you live your life taking the law of karma into account? तो क्या आप कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? Before you act, do you think what is the result of this going to be internally and externally? तो जब भी आप कोई कृति करते हैं तो क्या आप अपने अंदर क्या आप सोचते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे आपके अंदर भी और बाहर भी? What is going to be the long-term consequence of acting like this? और इस प्रकार से जो भी आप काम कर रहे हैं उसके एक परिणाम क्या होंगे लंबे समय में? I'm sure everybody here has studied karma at one point or another. तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उन्होंने कभी ना कभी कर्म के विषय में सीखा है. I'm not going to attempt a very full explanation of karma. तो कर्म का मैं पूरा पूरा कोई ब्यौरा नहीं देने वाला हूँ. I'm just going to give you an outline of the main points. तो इसके जो मुख्य मुद्दे हैं उसकी मैं बस आपको रूपरेखा देने वाला हूँ. And perhaps that will serve to show you whether you really understand or not. और फिर उससे आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में आप उसको समझते हैं या नहीं. If you come to the end of these reflections, you think I don't really know what karma is, then please do speak up. और अगर इस चिंतन के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानता कि कर्म क्या है, तो फिर बोलकर बताइए कि मैं नहीं जानता. I don't mean now, but tell one of the senior people here who are leading. That is the case that you'd like to know more. तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी, लेकिन बाद में जो यहाँ पे वरिष्ठ लोग हैं, जो इस शिविर का नेतृत्व कर रहे हैं, जो इसके विषय में ज़्यादा बता सकते हैं या वो जानना चाहेंगे. Frankly, I'd be very pleased if people said, I don't really know. और देखा जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर लोग आकर ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता है. Because the beginning of wisdom is the admission of ignorance. क्योंकि प्रज्ञा की शुरुआत ही वहाँ से होती है जहाँ पर आप स्वीकार करते हैं कि आप में अज्ञान है. So we could have some study groups or something like that during the Sangharama to clarify what karma is. तो संघाराम जब चल रहा है उस वक्त हम कुछ अभ्यास गुट भी लेंगे ताकि हम इस बात को स्पष्ट कर सके कि कर्म क्या है. So first of all, the most basic point is that karma is that is the karma niyama, the law of karma is a special form of praticca samuppada. तो सबसे पहली बात तो ये है कि कर्म या कर्म नियम जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद का एक विशेष स्वरूप है. Everything that arises, everything that appears does so in dependence on conditions. तो हर चीज जो उत्पन्न होती है वो हमेशा परिस्थितियों के आधार पर ही उत्पन्न होती है. And karma is just one of the laws that operate under praticca samuppada. और कर्म उन बहुत सारे नियमों में से एक नियम है जो प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अंतर्गत अपना कार्य करता है. Everything that happens isn't because of karma. तो हर चीज जो होती है वो कर्म की वजह से नहीं होती. If we think that, well, we're getting into a popularized Hinduism. तो अगर हम बहुत लोकप्रिय हिंदू धर्म के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. And in general, in Hinduism, there isn't a very clear exposition of karma. और हिंदू धर्म में वैसा देखा जाए तो कर्म के विषय में कोई स्पष्ट ऐसा स्पष्टीकरण भी नहीं है, विश्लेषण नहीं है उसका. Actually, what we now call Hinduism didn't have an idea of karma until it was connected with Buddhism and Jainism. तो देखा जाए तो अभी जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें कर्म का कोई सिद्धांत या कल्पना मौजूद ही नहीं थी उस वक्त तक जब तक कि उसका संपर्क बौद्ध धर्म और जैन धर्म से नहीं हुआ. So we need to be quite clear about the Buddhist notion of karma. और इसलिए कर्म की बौद्ध संकल्पना क्या है उसके विषय में हमें काफी स्पष्ट होने की आवश्यकता है. Not everything that happens to you is because of karma.
तो हर चीज जो आपके साथ होती है वो कर्म की वजह से नहीं होती है not in the direct sense. और वैसे सीधे सीधे नहीं होती है so if a mosquito bites me, it's not because of my karma. तो अगर कोई मच्छर मुझे काटता है तो वो मेरे कर्म की वजह से नहीं काटता except in the sense that I've got a body because of my previous karma. तो केवल उसका संबंध यही तक है कि मेरे पिछले कर्मों की वजह से मेरे पास अभी शरीर है the mosquito isn't buzzing around and going to Mokshsara and saying no, she doesn't deserve this, Subhuti is the one. तो ऐसा नहीं होता है कि मच्छर जो है गुनगुनाता हुआ इधर उधर घूमता है मोक्षसारा के पास जाता है और बोलता है कि नहीं 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 ये इसको काटने के लायक नहीं है ये सुभूति को काटना चाहिए just sees my nice white sweet skin and bites. तो वो देखता है कि मेरी बहुत सुंदर सफेद और मीठी मीठी जो चमड़ी है उसको देखता है और काट लेता है and if a coconut falls from a tree on your toe, that's not karma. तो अगर कोई नारियल पेड़ पर से आपके अंगूठे पे गिरता है तो वो कोई कर्म नहीं होता है or rather, let's say, it's not necessarily karma. या फिर वो जरूरी नहीं कि कर्म ही हो so, the later tradition teaches that there are five different kinds of conditionality. तो उत्तर काल की जो परंपराएं हैं वो ये सिखाती हैं कि पांच प्रकार की संस्कारिताएं होती हैं। You notice Baba Sahib talks about this in the Buddha and his Dhamma. और आप देखेंगे कि बाबा साहब इसके विषय में बुद्ध और उनका धम्मों में बात करते हैं। When he's talking about karma, he talks about the other niyamas. तो जब वो कर्म की बात करते हैं तो वो इन नियमों के विषय में बात करते हैं दूसरे। तो उतु नियम होता है जो भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के नियम होते हैं the बीज नियम, which is the laws of botany and biology. तो बीज नियम होता है जो जीव शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के नियम होते हैं and yes, those are not directly karmic. और ये सीधे सीधे कर्म से संबंधित नहीं होते हैं and then there's the law of mano-niyama. और फिर मनोनियम का नियम होता है that's those laws that are connected with instincts, animal instincts, तो ये वो नियम होते हैं जो आपके प्राणी स्तर की जो अंतर प्रेरणाएं होती है उससे संबंधित होते हैं or sense awareness. या फिर आपके इंद्रियों की जागृति से संबंधित होते हैं so all those aspects of consciousness that are not to do with I. तो ये सारे चेतनाओं के वो पहलू है चेतना के वो पहलू है जिसका स्व से कोई संबंध नहीं है you know, a bird that migrates from northern India to southern India and back again in every year, that's obeying manu niyama. तो आपको वो पंछी पता होगा जो हर साल दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाता है और फिर वापस जाता है तो वो केवल मनो नियम का पालन कर रहा है so these three kinds of conditionality are operating in our bodies. तो ये तीन प्रकार की जो संस्कारिताएं हैं वो हमारे शरीर में कार्यरत हैं To some extent, that's what we'll be learning something more about tomorrow morning. और ये ऐसी बात है जिसके विषय में कल सवेरे हम कुछ ज़्यादा सीखने वाले हैं. So through conscious decision, we can use those niyamas better. तो जागृति पूर्वक निर्णय लेकर इन तीन नियमों को हम और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. Then we have karma niyama. उसके बाद हमारे पास कर्म नियम है. Karma niyama is the law that determines the relationship between conscious willed intention and the effects. तो कर्म नियम वो सिद्धांत है जो इस संबंध को बताता है कि आपका हेतु पूर्वक किया गया कार्य और उसके होने वाले परिणाम उन दोनों में का रिश्ता. If you deliberately do something, if you intentionally do something, it has an effect. तो अगर आप जानते बूझ कुछ करते हैं तो उसका कुछ परिणाम होता है और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है And finally, there's धर्म नियम और उसके बाद धर्म नियम है this is the kind of conditionality that comes into operation when transcendental insight arises. तो ये उस प्रकार के संस्कारिताएं हैं जो तब कार्यरत होती है जब आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है With transcendental insight, you let go of your clinging to self.
तो जब आपको लोक को तर स्तर की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तो आपके स्व के साथ जो आपकी आसक्ति होती है उसको आप छोड़ देते हैं. So processes unfold within you that are not to do with karma. तो आपके अंदर ऐसी प्रक्रियाएं क्रियान्वित हो जाती है जिसका कर्म से कोई संबंध नहीं होता. What exactly they are is quite mysterious. और ये प्रक्रियाएं क्या है वास्तव में उसको जानना बहुत ही रहस्यमय है. So karma is just one form of conditionality. तो कर्म संस्कारिता का केवल एक स्वरूप है. Very important to know this. और इस बात को जानना बहुत जरूरी है. So note, have you got this clear in your mind? तो आप देखिए कि क्या ये बात आपके मन में स्पष्ट हो चुकी है. If you haven't, then get it clear. और अगर स्पष्ट नहीं है तो उसको स्पष्ट कर लीजिए. And if you've got it clear, then you'll know better how to work with it. और अगर उसको आप स्पष्ट रूप से समझ लेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि उसको अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है. Because a lot of our dhamma life, at least in the early stages, is to do with working with karma. क्योंकि हमारे धम्म जीवन की शुरुआत का अधिकतर काम ये होता है कि हमें कर्म के साथ काम करना पड़ता है. It corresponds to shamatha. तो वो क्षमता के ही बराबरी का है. Later we work with the Dhamma Niyama. उसके बाद हम धम्म नियम के साथ काम करते हैं. And that's more to do with vipassana. और उसका संबंध अधिकतर विपश्यना के साथ होता है. So we need to be clear about these distinctions. तो ये जो फर्क है इस फर्क के विषय में स्पष्ट होना हमारे लिए जरूरी है. So karma is the law that connects our intentional action with effects inside and outside us. तो कर्म एक सिद्धांत है जो इन दो चीजों को जोड़ता है कि हमारे हेतु पूर्वक किए गए कार्य कौन से और उनका परिणाम क्या है. It's said that there are four principal elements of karma. तो ऐसा कहा जाता है कि कर्म के चार प्रमुख तत्व होते हैं. And all these elements are necessary in order for there to be a full karma. और पूरा कर्म होने के लिए इन चारों तत्वों का पूरी पूरी तरह से उपस्थित होना जरूरी होता है. First of all, there has to be an intention. तो सबसे पहले हेतु या उद्देश्य का होना जरूरी होता है उस कर्म में. If you like the feeling to do something. या आप ऐसा कहें कि वहाँ पर एक आपकी इच्छा होती है कि आप ये करना चाहते हैं. Somebody says something unpleasant to me. तो कोई मुझसे ऐसी कोई बात कह देता है जो मुझे अच्छी नहीं लगती. I feel like hurting them. और फिर मेरी इच्छा होती है कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊं. And then the second point is a plan. और फिर उसके बाद योजना. I'm going to hit them. मैं उन्हें मारने वाला हूं. I'm going to carry out my intention to hurt them with my fist. और फिर ये जो मेरा उद्देश्य है उनको मारने का उसकी पूर्ति करने के लिए मैं अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करूंगा. And thirdly, there's the actual action. और फिर तीसरी बात ये है कि उसमें वाकई में कृति होती है. I feel to hurt them. तो मैं मुझे लगता है कि मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाना है. I plan to hurt them by hitting them. और मैं योजना बनाता हूँ उन्हें नुकसान पहुंचाने की उन्हें मार कर. And then I hit them. और फिर मैं उन्हें मारता हूँ. And the fourth element is, as it were, at least momentarily, feeling pleased with what you've done. और फिर चौथा तत्व ये होता है कि क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो आपको आनंद आता है उसमें जो आपने किया है. There's the desire and now it's discharged, so there's a feeling of relief. तो वहाँ पर एक इच्छा होती है और वो इच्छा जो है बाहर निकल चुकी है पूरी हो चुकी है तो वहाँ पे आप आनंद लेते हैं. You could say, of course, the same with a positive example. तो सकारात्मक उदाहरण के बारे में भी आप यही बात देख सकते हैं. I see that a friend is short of money. तो मैं देखता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जिसके पास कुछ कम पैसे हैं. And I think I'd like to help them. और मुझे लगता है कि मैंने उनकी मदद करनी चाहिए. So I make a plan to give them 1,000 rupees. और फिर मैं योजना बनाता हूँ कि मैं उन्हें 1,000 रुपए दूंगा. So I do that. तो मैं ऐसा करता हूँ. And then I feel that
is good. That's what I wanted to do. और फिर मैं महसूस करता हूँ कि ये अच्छी बात है और यही मैं करना चाहता था. So all these four make up a karma according to Abhidharma theory. तो ये चारों तत्व जो है वो मिलकर कर्म बनाते हैं अभिधर्म तत्व के सिद्धांत के अनुसार. And the more these four factors are present, the more the result will come. और जितना ये चारों तत्व मौजूद रहेंगे उतने ज्यादा जो है विपाक आएंगे. There has to be the intention. That's probably in some ways the most important thing. तो सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि उस कर्म में हेतु या उद्देश्य का होना जरूरी होता है. If you're walking through the room and you by mistake tread on somebody's foot, well, that's not a karma in this sense. तो जैसे अगर आप चले जा रहे हैं इस कमरे में से और गलती से किसी के पैर पे आपका पैर पड़ जाता है तो इस अर्थ से वो कर्म नहीं है जो हम देख रहे थे. दूसरे शब्दों में क्योंकि वहाँ पे आपका हेतु या उद्देश्य नहीं था उनको चोट या नुकसान पहुँचाने का. निश्चित ही वहाँ पर जागृति की कमी थी. And there will be some motive behind that. Yeah? और उसके पीछे आपका कुछ हेतु या उद्देश्य हो सकता है. You'll be distracted, you'll be thinking of something else, and so on. तो आपका ध्यान भटका हुआ हो सकता है कि आप किसी और चीज के विषय में सोच रहे हैं. But for your action of treading on them to be a karma of harm, you need to mean to do it. लेकिन उनके पैर पे पैर देना इसको कर्म होने के लिए इस बात का होना जरूरी होता है कि वो आपका वैसे उद्देश्य था कि पैर पे पैर देना है. The result, the vipaka or the phala, the fruit, can be either, well, will be either inside or outside. तो इसका जो विपाक या फल होगा वो या तो अंदरूनी हो सकता है या फिर बाहरी भी हो सकता है. It'll always be inside. वो हमेशा ही अंदरूनी होगा. And it'll be outside, but to varying degrees, yeah? और बाहर जो विपाक होगा वो कम ज्यादा मात्रा में होगा, हमेशा एक जैसा नहीं होगा. So for instance, when I hit the person, there will be an effect on my mind. तो उदाहरण के तौर पे जब मैं किसी को मुक्का मारता हूँ तो उसका मेरे मन के ऊपर कुछ असर होगा. And there will be some underlying feeling of guilt. और मैंने कुछ बुरा किया है ऐसे ग्लानि भरी कुछ भावना होगी उसके पीछे. Some closing of the mind. और मन कुछ हद तक बंद हो जाएगा. The result of unskillful action is to sort of close the mind down, close down your experience. तो अकुशल कर्म का जो परिणाम होता है वो इस तरह से होता है कि आपका मन जो है वो बंद होने लगता है. It darkens your experience. और वो आपके अनुभव को जो है वो गहरा कर देता है. Your generous act of giving money to a friend, it brightens the mind. तो आपका दातृत्व से भरा जो कर्म है कि जैसे आपने किसी दोस्त को पैसा दे दिया है वो आपके मन को प्रखर और तेजस्वी कर देता है. So this is something to ask yourself. Have you experienced that effect internally? तो ये भी अपने आप को पूछने के लिए एक सवाल है कि क्या आपने ऐसा परिणाम अपने अंदर भीतर कभी महसूस किया है? Well, you have, I know that. तो हाँ, आपने किया होगा, मैं जानता हूँ. You've all done the maitri bhavana. आप सभी ने मैत्री भावना की है. And you know that when you form the intention, may all beings be well, you know what that feels like. और जब आप इस उद्देश्य को निर्मित करते हैं कि सभी प्राणी मात्र सुखी हो, तो आप जानते हैं कि उसका असर क्या होता है, परिणाम क्या होता है. You feel good. आप अच्छा महसूस करते हैं. You feel a bit uplifted, huh? और आप महसूस करते हैं कि आप ऊंचा उठ गए हैं. You may also have noticed when you do something that harms others or even harms yourself, you feel not so good. तो आपने देखा होगा ये भी कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है या चोट पहुंचते हैं, तो आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते. So the internal dimension is a little bit easier to see. तो ये जो अंदरूनी पहलू है इसका, इसको देखना थोड़ा आसान होता है. If we choose to look. अगर हम देखना चाहे तो. But often when we act unskillfully, we deliberately block our own internal experience. लेकिन अक्सर जब हम कुछ अकुशल काम करते हैं तो हम जानबूझ के हमारे अंदरूनी अनुभव को बंद कर देते हैं, उसके संपर्क में नहीं आना चाहते. We don't notice the internal effect.
तो अंदरूनी जो परिणाम होता है उसको हम नहीं देखते, उसका निरीक्षण नहीं करते. So clearly one of the things we need to learn from reflecting on karma is to pay closer attention to the internal effect of our actions. तो कर्म के बारे में सीखने के लिए ये बात है कि जो भी हमारे काम है उसका अंदर क्या परिणाम हुआ है उसको कैसे देखा जाए, इस बात को सीखना. The external effect can sometimes be very obvious. तो बाहरूनी जो परिणाम है कभी कभी बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं. It can be very immediate. वो बहुत तुरंत हो सकते हैं. If I hit the person, they may hit me back. अगर मैं किसी को मारता हूँ तो वो वापस मुझे मार सकते हैं. If I give somebody some money, they may sort of beam maitri towards me. Yeah? तो अगर मैं किसी को कुछ पैसे दे देता हूँ तो वो भी मैत्री मुझ तक प्रसारित कर सकते हैं. Sometimes it can take a long time to come back. कभी कभी परिणाम आप तक वापस आने के लिए बहुत लंबा समय लग सकता है. And in the Buddhist tradition there's a very precise analysis of how karma vipaka may come. और बौद्ध धर्म में इस बात का बहुत ही अचूक ऐसा विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार से कर्म विपाक आप तक लौट कर आ सकता है. So, yes, we need to notice the effects that our actions have internally and externally. तो हमें निरीक्षण करना है कि हमारे कृति के क्या परिणाम है हमारे अंदर भी और बाहर भी. It's not anybody else's fault. वो किसी भी दूसरे की गलती नहीं होती. This is the main thing we need to recognize with this reflection. तो इस चिंतन के साथ ये प्रमुख बात होती है जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए. Our own internal sense of satisfaction, fulfillment, or misery is because of us. तो हमारा जो भी अंदरूनी भाव है संतुष्टि का होगा, परिपूर्णता का होगा या दुख का होगा, वो हमारी वजह से है. The main thing we need to end up with taking full responsibility for our own actions of body, speech, and mind. तो ये प्रमुख बात है कि हमने पूरी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमारे कर्मों की जो हमने हमारे काया वाचा और मन के माध्यम से की है. And this is something we can see rather more easily in a situation like this, huh? और ये ऐसी बात है जो इस तरह की परिस्थितियों में हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं. It's a simple life we're leading. ये बहुत ही सादा सरल जीवन है जो हम जी रहे हैं. We're with very good companions. हम बहुत ही अच्छे साथियों के साथ हैं. And we're living a, leading a quiet, simple life. और हम बहुत ही शांत सरल सादा जीवन जी रहे हैं. It's more easy to see what's coming back to what you put out. तो बहुत आसान है इस बात को देखना कि आपने जो कुछ भी डाला है उसमें से क्या आप तक लौट कर आ रहा है. And what's going on within you as you perform certain actions. और जब कोई विशिष्ट कृतियां आप कर रहे हैं तो उस वक्त आपके भीतर क्या चल रहा है. This is the most important thing. It's not what other people do, it's what you do. तो ये बहुत ही जरूरी बात है कि दूसरे लोग क्या करते हैं वो नहीं, आप क्या करते हैं वो मायने रखता है. So, all our spiritual life is really based, certainly initially, on the principle of karma. और हमारा सारा ही जो आध्यात्मिक जीवन है वो देखा जाए तो प्रारंभिक रूप से कर्म के ऊपर ही आधारित है. That's what happens in the prostration practice. और वही जो है दंडवत साधना के अभ्यास में होता है. You do the prostrations, you're performing a highly skillful action. तो आप दंडवत कर रहे हैं और आप बहुत ही कुशल ऐसा कर्म कर रहे हैं. A skillful action of body, speech and mind. तो ये काया वाचा और मन के माध्यम से किया गया कुशल कर्म है. And when you come to the end of the practice and the white light comes into you, you experience the karma vipaka. और जब आप वो खत्म करते हैं और वो सफेद प्रकाश आपके पास आता है तो वो आप कर्म विपाक का अनुभव ले रहे हैं. You feel you're being purified. तो आप महसूस करते हैं कि आप शुद्ध हो रहे हैं. Your past unresolved, unskillful karma is gradually purified by the power of your skillful action. तो आपका विगत का जो भी अकुशल कर्म है जिसको आपने पूरी तरह से दूर नहीं किया है उसके परिणाम को
वो आपके कुशल कर्मों के परिणाम की वजह से अब दूर हो रहा है। And we'll see this again when we come to the Vajrasattva practice. और हम इस बात को दोबारा से देखेंगे जब हम वज्रसत्व अभ्यास को देखेंगे। If you just sit there and imagine the white light coming into you, it may have some effect. तो अगर आप बस यूं ही बैठते हैं और कल्पना करते हैं कि सफेद प्रकाश आपकी ओर आ रहा है, तो उसका कुछ हद तक परिणाम हो सकता है। But there's not enough kushal karma, there's not enough punya karma to generate that effect. लेकिन उसके पीछे उतना कुशल कर्म नहीं है उस प्रकार के परिणाम को निर्मित करने के लिए। The metta bhavana and anapanasati work on the basis of karma. तो मेत्ता भावना और अनापानसति जो है वो कर्म नियम के आधार पर अपना काम करती है। You make the effort to develop concentration on the breath and slowly, slowly your mind responds. तो आप प्रयास करते हैं श्वास के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए और धीरे धीरे जो है आपका मन काम करता है। To begin with, when you do it, you don't get much effect. तो शुरुआत में जब आप उसको करना शुरू करते हैं तो आपको उसके इतने परिणाम नहीं मिलते हैं। As time goes on, the intention gets clearer and stronger. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपका हेतु जो है अधिक स्पष्ट होने लगता है, अधिक दृढ़ होने लगता है। And so the result comes in terms of some samadhi. और फिर कुछ समाधि के रूप में उसका जो परिणाम है वो आता है। Metta, of course. और यही बात मेत्ता के साथ भी होती है। With metta, you can also often see the external effect. तो मेत्ता के साथ अक्सर आप जो है वो बाहरी परिणामों को देखते हैं। I don't know whether others have experienced this, but I've quite often experienced a change in the other person when I do metta. तो मुझे नहीं पता आपने ऐसा देखा है या नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि अक्सर जब मैं मेत्ता करता हूँ तो दूसरे व्यक्ति में बदलाव नजर आता है। If I really develop metta towards somebody I've been in conflict with, quite often, the next time I see them, they behave differently to me. तो अक्सर अगर किसी के साथ मेरा कुछ संघर्ष है और उसके ऊपर अगर मैं मेत्ता करता हूँ और दोबारा जब मैं उससे मिलता हूँ तो देखता हूँ कि वो कुछ अलग ही व्यवहार कर रहे हैं। I don't know whether you've experienced that. Hmm? तो मुझे नहीं पता है कि आपने इसका अनुभव लिया है या नहीं। But for me, it's certainly been a common experience throughout my Dhamma life. लेकिन मेरे पूरे धम्म जीवन में ये मेरे लिए बहुत ही आम अनुभव रहा है, बार बार आने वाला। Quite difficult to explain how it works, huh? तो इस बात को समझाना बहुत मुश्किल है कि ये किस प्रकार से काम करता है। मैत्री इज अ स्किलफुल कर्म। लेकिन मैत्री एक कुशल कर्म है। The Buddha says this in the Dhammapada. बुद्ध इसे धम्मपद में कहते हैं। The skillful karma, kushal karma, metta. कि मेत्ता जो है वो एक कुशल कर्म है। And so it has an effect outside and inside. तो उसका परिणाम होता है आपके बाहर भी और आपके अंदर भी। And maybe if we had more confidence in this, we'd have less conflict. और अगर हमें इसमें ज्यादा यकीन हो तो फिर हमारे संघर्ष कम होंगे। Sometimes the best way to deal with conflict is not very directly, but more through meditation. तो कभी कभी संघर्ष से मतलब निपटने का तरीका ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप से उसका सामना ना करते हुए ध्यान के माध्यम से किया जाए। Of course, the big thing that I talked about yesterday is the effect of karma when you come to die. तो बहुत बड़ी बात है जो मैंने कल भी बात की थी कि जब आप की मृत्यु हो रही होती है उस वक्त के कर्म के परिणाम। It's obvious that when you come to die, all your unskillful action will be in front of your mind. तो ये बहुत ही स्पष्ट बात है कि जब आपकी मृत्यु का समय निकट आएगा या होने वाली होगी तो आपके सारे अकुशल कर्म जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। Fortunately, also your skillful karma will be there. सुदैव से आपके कुशल कर्म भी वहाँ उपस्थित होंगे। But yes, that will be the state in which you die. लेकिन निश्चित ही वो ऐसे स्थिति होगी जिस स्थिति में आपकी मृत्यु होगी। And then that will affect what happens after death. और फिर उस बात का इस पे परिणाम होगा कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। And that will shape the life that follows on from this life. और फिर वो उस जीवन को आकार प्रदान करेगा जो जीवन इस जीवन के आधार पर उत्पन्न होगा। So we just stop wasting time complaining about other people.
तो फिर हमने बस रुक जाना चाहिए अन्य लोगों की शिकायत करने से blaming other people, दूसरों को दोष देने से focus on our own karma. और अपने खुद के कर्मों पे हमें ध्यान एकाग्र करना है so, I've given you a very brief overview of karma. तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त ऐसा विवरण दिया है आपको कर्म का If you feel you really understand what I've been talking about, well, good. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो आपको वाकई में समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है If you feel you haven't understood it, well, even better. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है Because that will lead you to investigate and understand better. क्योंकि वो आपको और ज्यादा विश्लेषण करने की और उसको और अच्छे से समझने की ओर लेकर जाएगा and, if you really understand it, then, and believe in it, you will act upon it. और अगर आप उसको उसमें वाकई में विश्वास रखते हैं और उसके अनुसार तो अगर आप उसमें यकीन करते हैं तो आप उसके अनुसार काम करेंगे every time you blame somebody else because you've not believed in the law of karma. और हर बार जब भी आप किसी और को दोष देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपने कर्म नियम के ऊपर विश्वास नहीं रखा है you believe that they are responsible for your mental states. और आप ऐसा मानते हैं कि आपकी जो भी मानसिक अवस्था है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। One of the things that often happens to me is that a husband or a wife comes to me and complains about their wife or husband. तो एक चीज मेरे साथ हमेशा होती है कि पति या पत्नी मेरे पास आते हैं और वो एक दूसरे के विषय में शिकायत करते हैं And they want me to do something about it. और वो चाहते हैं कि उसके विषय में मैं कुछ करूं And they think I'm a magician. उनको ऐसा लगता है कि मैं जादूगर हूँ Or a fool, I don't show which. और a fool. A fool, yes. या फिर मैं बेवकूफ हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या Never stand between a husband and a wife. It's fake. तो पति और पत्नी के बीच में कभी खड़े मत होइए But what I always say to them is, so you think he or she is responsible for your suffering. तो अक्सर मैं उनको ऐसा कहता हूँ कि अच्छा आप ऐसा सोच रहे कि वो मतलब स्त्री या पुरुष जिम्मेदार है आपकी दुख के लिए आपकी पीड़ा के लिए It's as if you've locked yourself inside a cage. तो ये ऐसा है जैसे आपने अपने आप को पिंजरे में बंद कर लिया है and given she or he the key. और फिर वो जो दूसरा जोड़ीदार है उसके हाथ में आपने चाबी दे दी है your cage, your key. तो अगर पिंजरा आपका है तो चाबी भी आपकी ही है you let yourself out. आप ही अपने आप को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं If you wait for them to let you out, you'll wait a very long time. अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि वो पिंजरे का दरवाजा खोल के आपको बाहर निकालेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा If we really believe in karma and understand it, we'll act upon it. तो अगर हम वाकई में कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं तो फिर हम उसके अनुसार कार्य करेंगे And it's all we can rely on in the end. और अंत में कर्म ही है जिसके ऊपर हम निर्भर रह सकते we हैं can only rely on the Buddha, Dhamma, and Sangha and our own karma. तो हम बुद्ध धम्म और संघ के ऊपर निर्भर रह सकते हैं और हमारे अपने कर्म के ऊपर निर्भर रह सकते हैं One point, the Buddha talks about karma as a refuge. तो एक समय पे बुद्ध ने कर्म के विषय में इस तरह से बात की है कि वो एक शरण स्थान है Of course, what he means is that it's only your karma that will bring you to a better state. तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आपके कर्म ही होते हैं जो आपको एक अच्छी स्थिति में लेकर जा सकते हैं So, this we need to understand, reflect on, and act upon. तो इसे हमें समझना है इसके ऊपर चिंतन करना है और इसके अनुसार कार्य करना है And we can be paying close attention to this during these days. और ये जो दिन है इन दिनों में इस बात के ऊपर हम बहुत ही नजदीक से ध्यान दे सकते हैं A very good way of doing this is having some point in the day maybe just before you go to bed to just reflect on the day तो बहुत अच्छा समय वो होगा कि जब आप मतलब सोने के लिए जा रहे हैं और उसके पहले का जो थोड़ा सा वक्त है उसमें आप अपने पूरे दिन के विषय में चिंतन
कीजिए. Is there anything you've done during the day that you regret? तो क्या पूरे दिन भर में ऐसा कुछ आपने किया है जिसका आपको पश्चाताप है? Anything that you feel remorseful? तो क्या ऐसा जिसके विषय में आप ग्लानी महसूस कर रहे हैं? And if you've got a friend there with you, you can confess it, confess to each other. और अगर वहाँ पे कोई आपका दोस्त है तो आप उनके पास पाप देशना कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ पाप देशना कर सकते हैं. If you're not able to do that immediately, you can write it down or you can just say to the Buddha. तो अगर तुरंत आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं या फिर बुद्ध के आगे पाप देशना कर सकते हैं. And in this way, you're reflecting on karma. और इस तरह से आप कर्म के ऊपर जो है वो चिंतन कर रहे हैं. In a sense, confession is a reflection on karma. तो एक तरह से पाप देशना जो है वो कर्म के ऊपर किया गया चिंतन है. You're recognizing your unskillful karma. आप अपने अकुशल कर्म को पहचान रहे हैं. You regret what you've done because it's harm. आप पश्चाताप महसूस करते हैं क्योंकि उसने नुकसान पहुंचाया है. But you're also recognizing the effect on you. लेकिन आपके ऊपर क्या परिणाम हुआ है उसको भी आप देख पा रहे हैं. And this will be to some extent some barrier to your future life. और ये जो है कर्म आपके आगे के जीवन में कभी ना कभी किसी प्रकार का रोड़ा बन जाएगा. You can also ask what skillful action I have done. आप ऐसा भी पूछ सकते हैं अपने आप को कि वो कौन से कुशल कर्म हैं जो मैंने किए हैं. It's good to reflect on your skillful action. और आपके जो भी कुशल कृतियां हैं, काम है, उसके ऊपर सोचना अच्छी बात है. So that then the punya can ripen, as it were. और फिर वो जो पुण्य है वो फलित होगा एक तरह से आपका. You know, I did so many prostrations. हाँ, मैंने इतने सारे दंडवत किए. Not with pride. तो उसमें कोई गर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अभिमान. How good I am, I've done so many. और मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इतने सारे दंडवत कर लिए. Particularly, I've done more than him. और मैंने उससे ज्यादा किए हैं. That's spoiling your karma. तो वो आपके कर्मों को बर्बाद कर रहा है वो सोच. But it's more appreciating the positive effect that your actions have had on you. तो जो भी आपकी कृतियां हैं उसके जो सकारात्मक परिणाम जो आपके ऊपर है उसकी आपने प्रशंसा करनी है, सराहना करनी है. It's not sort of karma bookkeeping. तो इस तरह से नहीं है कि आपको अपने कर्मों का लेखा जोखा रखना है. It's more allowing the result of your skillful action some space to be experienced. तो ये बस ऐसा है कि जो भी कुशल कर्म आपने किए हैं उसके जो परिणाम है उसको आप स्थान उपलब्ध करके दे रहे हैं कि आप उसका अनुभव ले सकें. और मन के ऊपर उसका ऐसा परिणाम होगा कि वो मन को तरोताजा कर देगा. और इसका निश्चित ही अर्थ ऐसा होता है कि रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी. This is taken very, very seriously in Buddhist tradition, in all schools. तो सभी बौद्ध संप्रदायों में इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है. And especially as people approach death. और खास करके तब जब लोग मृत्यु के निकट होते हैं. I remember Subhadra told me that Dada Rinpoche took this very seriously. तो मुझे याद है कि सुवज्र ने मुझे बताया कि धारदो रिम्पोचे इससे बहुत गंभीरता से लेते थे. He realized he was dying. उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु होने वाली है, वो मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं. He was a very highly aware man and he knew pretty well when he was going to die. और वो बहुत ही जागरूक ऐसे व्यक्ति थे और उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है. So he took all the money out of his bank account. तो अपने बैंक के खाते में से उन्होंने सारा पैसा निकाल लिया. And he went on pilgrimage from Kalimpong up to Bodhnath in Kathmandu. और फिर वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए कलिंगपोंग से लेके बोधनाथ काठमांडू में जो है वहाँ पर. And he gave all his money away to every beggar he saw. और फिर उन्होंने अपना सारा ही पैसा दे दिया उन सारे भिखारियों को जो उन्हें नजर आए रास्ते में. Lakhs and lakhs of rupees. तो लाखों लाखों रुपया था. Because his Rinpoche's got a lot of donations.
क्योंकि रिम्पोचे को बहुत दान मिलता था तो गोम्पा जो है या विहार जो है उन्हें उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया और अपनी मृत्यु के पहले वो पुण्य अर्जित करना चाहते थे well, we all know that Bhante in the year before he died he cleared his conscience तो हमें पता है कि भंते जब उनकी मृत्यु हुई उसके एक साल पहले उन्होंने अपनी चेतना को साफ किया स्पष्ट किया he apologized for anything he'd done wrong. और जो भी उन्होंने गलत किया है उसके लिए उन्होंने माफी मांगी And I think that's in this spirit that he did it. और मुझे ऐसा लगता है कि इस चैतन्य के साथ उन्होंने ऐसा किया so, we need to understand karma. तो हमें कर्म को समझने की आवश्यकता है It demands much closer study than I've outlined here. तो यहाँ पर जितना मैंने अधोरेखित किया है उससे ज्यादा अभ्यास की इसके लिए आवश्यकता है We need to test our own belief in it. तो हमारा अपना जो यकीन या विश्वास है उसमें उसको हमें जांचने की आवश्यकता है We even need to notice, well, I did that. Obviously, at that level, at that stage, I didn't really believe in karma. तो हाँ मैंने वो किया है लेकिन उस स्तर पर उस वक्त मैं वाकई में कर्म में विश्वास नहीं करता था so we need to test our own, the depth of our own belief in karma. तो कर्म में हमारे विश्वास की जो गहराई है उसको जांचने की हमें आवश्यकता है we may need to prove karma to ourselves, huh? तो हो सकता है कि हमें अपने आप को कर्म साबित करने की आवश्यकता हो सकती है Not just by accepting the Buddha's word, although for me that's good enough. तो केवल इतना ही नहीं कि बुद्ध ने कहा है इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया है भले ही वो मेरे लिए मतलब उतना काफी है But examine your experience to see the effects of karma certainly internally. तो अपने अनुभव की आप जांच कीजिए कि आप कर्म के जो भी विपाक या परिणाम है उसको अपने अंदर देख सकें आप सभी परिणामों को नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही जटिल हैं और दूसरे भी नियम वहां पर उपस्थित हैं लेकिन आप अक्सर बहुत ही साफ तरीके से देख सकते हैं कि ये मेरा कर्म था skillful or unskillful. तो कुशल हो या फिर अकुशल हो so really examine your experience. तो वाकई में अपने अनुभव का आप निरीक्षण कीजिए या जांच कीजिए and set out to make merit. और पुण्य संचय करने के लिए पुण्य अर्जित करने के लिए आप निकल पड़िए deliberately do as much as you can that is highly skillful. तो जानबूझकर जितने ज्यादा आप ऐसे काम कर सकते हैं जो कुशल है वो करने का प्रयास कीजिए कभी कभी आप उनको केवल इसलिए करेंगे क्योंकि आप सोचते हैं कि वो कुशल कर्म है लेकिन अभी नहीं तो बाद में देर सवेर उसमें आपकी भावनाएं भी आ ही जाएंगी जुड़ जाएंगी उसके साथ तो दंडवत के साथ आपने इस बात को अनुभव किया होगा you start off just doing it because it's on the program. तो आपने उसको बस करना ऐसे ही शुरू कर दिया क्योंकि वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित था But sooner or later, the feeling of faith, flows. लेकिन देर सवेर श्रद्धा की जो भावना है वो प्रवाहित होती है so yes, do what you can to make merit. तो पुण्य अर्जित करने के लिए जो आप कर सकते हैं करें confess what you do that's unskillful. और जो भी अकुशल है उसकी आप उपदेशना कीजिए this is the basis for enlightenment, yeah? और ये बुद्धत्व का आधार है बुनियाद है according to a Buddhist tradition the Buddha is shown with two auras तो बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की जो है वो दो आभाएं दिखलाई जाती हैं Around his head you get one aura, you can see it here, the red aura. तो उनके सर के इर्द-गिर्द आपको जो है एक आभा नजर आएगी यहाँ पर लाल है That's the radiance of his wisdom. तो वो जो है उनकी प्रज्ञा की आभा है But you can see around the bodies, there's another aura.
लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके शरीर के इर्द-गिर्द जो है वो दूसरी आभा या दूसरा वलय है That's the radiance of their punya. तो वो जो है उनके प्रज्ञा की आभा है या उनके प्रज्ञा का वलय है सांभार कहते हैं पुण्य पुण्य हाँ पुण्य yeah, सिर वाला प्रज्ञा और बॉडी वाला पुण्य yeah. We're nearly there. So the Buddha has spent many lifetimes developing punya. तो बुद्ध ने बहुत बहुत जीवन मतलब अपने लगाए हैं पुण्य को अर्जित करते हुए and that's what makes it possible to take his last rebirth as a Buddha. और उसकी वजह से ही ये संभव हो सका कि वो अपना अंतिम जन्म ग्रहण कर सके बुद्ध के तौर पर So our development of punya now has a very high aim. तो अभी जो हम पुण्य विकसित कर रहे हैं उसका लक्ष्य जो है वो बहुत ही ऊंचा है And it's very difficult, if not impossible, to develop wisdom without punya. और बहुत ही मुश्किल होता है अगर नामुमकिन नहीं है तो कि आप पुण्य के बिना प्रज्ञा को विकसित कर लें